बिलासपुर नगर निगम प्रशासन अपने सभी कार्यों में सबसे अधिक कमजोर सफाई कार्य को लेकर है। यदि पूरे शहर का आकलन करें तो निगम प्रशासन द्वारा ठेके पर दिए गए क्षेत्र और गैर ठेके वाले क्षेत्रों की सूरत एक सी बनी रहती है। सिम्स के सामने वाली मुख्य सड़क पर स्थिति सबसे अधिक खराब है। नालियों के ओवरफ्लो की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में दुर्गंध तो है ही, साथ ही फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन इन फुटकर व्यवसायियों से शुल्क बकायदा वसूलती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर इन्हें क्या दिया जा रहा है यह आपके सामने स्पष्ट है। उसमें निकालते हैं फिर कचरा ऊपर से पड़ जाते हैं, इसलिए समस्या नहीं होता है ना? होता है। कभी शिकायत नहीं करते जाके? अरे शिकायत हमेशा लग रहा है, काम डेली दिख रहा है, कैसे कहेंगे बताओ। सफाई होती है पर ये आगे से बंद है, जो काम हो रहा है आगे से बंद है, तो इस कारण यहाँ पानी भर जाता है। समस्या होती है कि नहीं? समस्या बहुत होती है, दुकान लगाने में समस्या होती है। प्रॉब्लम तो बहुत होती है सर, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारी को भी दे देते थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए, ये क्योंकि नाला खराब हुआ है रास्ते में बहुत ज्यादा। आप लोगों को अपनी तरफ से भी पैसे देने पड़ते हैं सफाई के? सर दे देते हैं चाय पानी के लिए कि जल्दी हो जाए। यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आते, आते भी है तो खाना पूर्ति करते अपना वो, और उसके बाद कब जाते कब आते यहाँ दिखते नहीं है वो। हम सुबह भी आ जाते दुकान लगाने 6 बजे 7 बजे, उसके बाद भी हमने कभी नहीं देखा। निगम अधिकारियों को टाइम ही नहीं है सर ये सब चीज़ों का। हमने कई बार इल्तिजा की उनसे कि बोला यहाँ पे साफ सफाई कराओ, इतनी बदबू रहती है कि हमारे कस्टमर भी खड़े नहीं हो पाते, और उनकी बात तो छोड़ो, हम खुद यहाँ 12 घंटे रहते हैं, हमको इससे परेशानी की बीमारी ना हो जाए हमको।